नेचुरल नंबर, होल नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। क्लियर है? इसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट में आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है इसको पहले समझते हैं। इफ अगर दो होल नंबर, अगर दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर होता है। इट मीन्स ए और बी मेरा होल नंबर है। सपोज दैट 5, 5 तो मेरा होल नंबर है, और एक दूसरा नंबर लेते हैं एन 7, 7 भी मेरा होल नंबर है। अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं दैट इज 5 + 7 कितना होगा 12, 12 भी मेरा क्या है होल नंबर है। स्टूडेंट्स ये मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर में फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो होल नंबर हो, ए और बी दो होल नंबर है, अगर उस दोनों का सम करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा होल नंबर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ए 5 भी होल नंबर है और बी क्या है 7 भी होल नंबर है, और जब ये दोनों को ऐड किए तो मेरा जो आया रिजल्ट 12 भी क्या है मेरा होल नंबर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम लोग देखते हैं सेकंड वन इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं सेकंड क्या कहता है। जैसे दो होल नंबर गिवन है, सपोज दैट ए प्लस बी और बी प्लस ए ऑलवेज इक्वल होता है। इट मींस अगर यहाँ पे एग्जांपल लें, जैसे 5 + 7 को ऐड करो या 7 + 5 को ऐड करो, रिजल्ट तो मेरा 12 ही आएगा ना। तो यही कहता है मेरा कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो होल नंबर को अगर इंटरचेंज करके ऐड करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आता है सेम आता है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 5 + 7 को ऐड किया और इधर चेंज कर दिया 7 + 5 को ऐड किया, बट रिजल्ट मेरा क्या आया सेम आया। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड वन इज देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है जब हम इंटरचेंज करके ऐड अप करते हैं तो ये सेम होता है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए का वैल्यू 5 ले लिए, बी 7 और सी ले लेते 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, पहले क्या ए प्लस बी प्लस सी, पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ए प्लस बी को जब हम ऐड करेंगे कितना होगा 5 + 7 + 3 कितना होगा 5 + 7 = 12 + 3 = 15। क्लियर है? और इधर अगर हम ऐड करते हैं इस टर्म से ए प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा इसमें ए कितना था मेरा 5 + 7 + 3 5 + 7 + 3 = 10 और इधर 15। कोई डिफर नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर टर्म को हम इंटरचेंज ना करें, मतलब तो पहले दो टर्म को करें फिर बाद में दो टर्म को करें तो क्या होगा सेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है स्टूडेंट्स पहले इसको देखते हैं। अगर कोई भी होल नंबर हो उसको अगर हम जीरो से ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा सेम ही आएगा। सपोज एक मेरा होल नंबर लेते हैं 5, 5 अरे 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा। यही होता है मेरा एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर किसी भी होल नंबर में जीरो से सम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है जीरो आता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अब हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर देखेंगे। ओके बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर में भी सेम है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब दो होल नंबर में से जैसे ए माइनस बी डिड नॉट बी अ होल नंबर, ये क्या कहता है पहले समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट 5, 5 और 3 ए हम 5 ले लिए और बी का वैल्यू 3 ले लिए, 5 - 3 कितना है 2 तो मेरा होल नंबर है। बट इसको अगर हम रिवर्स करते हैं, अगर ए के जगह पे हम 3 लेते हैं, ए के जगह पे 3 लेते हैं एंड बी ले लेते हैं हम 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर ए माइनस बी करते हैं तो क्या होगा 3 - 5 कितना हो रहा -2। क्या ये होल नंबर है? ये तो मेरा इंटीजर है, ये तो होल नंबर नहीं है। क्लियर है? ये क्या कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिजिट को इंटरचेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वैल्यू फिर से 10 लेते हैं और बी लेते हैं 15, अगर ए माइनस बी करते हैं, चलो ए माइनस बी करते हैं दैट इज 10 में से 15 को घटाते हैं कितना आता है मेरा -5। बट अगर बी माइनस ए कर रहे हैं, अगर 15 - 10 कर रहे तो कितना आ रहा है 5। तो क्या कर रहा है कि डिजिट को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो रहा है ये डिफर कर रहा है इसका वैल्यू। इट मीन्स कम्युनिकेटिव कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है केवल नहीं होता है सब्ट्रैक्शन के लिए।
क्लियर है। थर्ड वन इज देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। इसमें भी एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज दैट ए का वैल्यू 5, बी का 10 और सी का 15 ले लिए। अब हम लोग देखते हैं इसको, पहले ए माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15, पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना होगा माइनस का 5 माइनस का 15, कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस का 20। जब हम इसको अब सॉल्व करते हैं, जैसे ए 5 माइनस 10 माइनस 15, पहले ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं कितना होगा 5 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, कितना हो रहा है 10। देखो यहाँ पे मेरा रिजल्ट माइनस 20 आ रहा है, बट यहाँ पे 10 आ रहा है। क्लियर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या कहता है कि अगर कोई भी होल नंबर है उसमें से अगर हम जीरो को घटाएंगे तो वो वही रह जाएगा, इट मीन्स वो होल नंबर ही रहेगा। जैसे कि ये कह रहा है, इसको भी देखते हैं, दैट इज अगर मेरा 10 एक होल नंबर है, इसमें से जीरो घटाएंगे तो क्या होगा 10, दैट इज 10 भी अभी मेरा ये होल नंबर है। क्लियर है। अभी हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर में फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर डिजिट को हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a माइनस b नीड नॉट बी अ होल नंबर। इट मींस अभी तो मेरा इस वाले एग्जांपल में होल नंबर 2 डिजिट आ रहा था, बट यहां पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया तो इसमें होल नंबर नहीं था, ये माइनस 2 आ रहा था, बट माइनस 2 मेरा होल नंबर नहीं है, ये मेरा इंटीजर है। सेकंड हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट इज एग्जांपल के थ्रू मैंने देखा यहां पे लेकर के, तो यदि आंसर क्या कर रहा था, आंसर इसका डिफर कर रहा था। थर्ड वन देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है, बस एक ही प्रॉपर्टी इसका एप्लीकेबल है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जो कि किसी भी होल नंबर से जब हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है होल नंबर। अब हम थर्ड वन देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ होल नंबर। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर, ये क्या होता है। इसमें भी वही चार प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स इसमें क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर दो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा होल नंबर। इट मीन्स ए और बी होल नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर। अगर हम यहाँ ए का वैल्यू 4 ले लेते हैं और बी का 5, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी तो दैट इज 4 इंटू 5 कितना होगा 20। 20 भी क्या है मेरा होल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो होल नंबर है अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा होल नंबर। अब सेकंड देखते हैं इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। इट मीन्स अगर ए का वैल्यू सेम यहाँ पे लेते हैं, ए क्या था मेरा अगर 4 × 5 करे या 5 × 4 करे इसका वैल्यू क्या होगा 20। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज एप्लीकेबल फॉर होल नंबर। इट मीन्स अगर हम ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता है। थर्ड वन इज देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, इसमें रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। दैट इज ए का वैल्यू हम अगर चलो अगर हम यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं 4, 5 और 6 या तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 × 5 पहले कर लेते हैं उसके बाद 6। स्टूडेंट्स इसको देखेंगे 20 × 6 कितना है, ये 20 × 6 120। और अगर ये वाला अगर इस साइड वाला सॉल्व करते हैं जैसे 4 × 5 × 6 इसको करते हैं तो 4 × 30 कितना होगा 120। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर होल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लास्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी होल नंबर में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो खुद वही रह जाता है, वो क्या होता है वो भी मेरा होल नंबर होता है। इट मीन्स अगर एग्जाम्पल इसका ले अगर 5 × 1 तो क्या होगा 5 ही होगा। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इटसेल्फ खुद ही रिजल्ट आता है उसका। और ये क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एप्लीकेबल होता है इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर।
स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर। अभी क्या क्या देखा, अभी एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है। इट मींस इसमें हम अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या कह रहा है कि ए डिवाइड बाई बी, अगर हम दो होल नंबर लेते हैं, जैसे अगर हम ए 10 लेते हैं और बी का वैल्यू ए इक्वल टू 10 और एंड बी लेते हैं 5, अगर ए डिवाइड बाई बी नीड नॉट बी अ होल नंबर, अगर ये वाला एग्जांपल लेते हैं ये तो हो रहा है, बट यहाँ पे देखते हैं इसको करके देखते हैं। जैसे ए डिवाइड बाई बी, इट मीन 10 डिवाइड बाई 5, तो मेरा रिजल्ट आएगा 2। अगर दो होल नंबर है, अगर ए में हम बी से डिवाइड कर रहे तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 2, जो कि 2 क्या है मेरा, 2 इज माई होल नंबर। बट अगर ए और बी के जगह पे वैल्यू अलग होगा, अगर ए और बी के जगह पे वैल्यू अलग होगा तो ये होल नंबर आ भी नहीं सकता। जैसे देखते हैं, अगर ए का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं और बी अगर लेते हैं हम 10, अगर यहाँ पे करते हैं ए डिवाइड बाई बी डेट इज 5 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ रहा है 1/2 आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना रहा है वैल्यू 1/2, 1/2 इज नॉट माई होल नंबर, ये तो मेरा होल नंबर नहीं है, क्लियर है, ये क्या मेरा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी में a डिवाइड बाई बी नीड नॉट बी अ होल नंबर, नीड नॉट बी अ होल नंबर, क्लियर है। सेकंड वाली देखते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है इसको देखते हैं, अगर दो होल नंबर है और इसको अगर डिजिट को इंटरचेंज करके डिवाइड करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होता। इट मीन्स अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, तो ए का वैल्यू अगर सपोज दैट ऊपर वाले एग्जाम्पल में 10 लिए और बी का वैल्यू क्या लिए 5 लिए, अगर हम ए डिवाइड बाई बी करते हैं, ए डिवाइड बाई बी करते हैं, इट मीन्स 10 में किससे 5 से भाग करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 2। बट इसी को जब हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, बी डिवाइड बाई ए कर रहे हैं, तो कितना होगा 5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 1/2। That is, digit को इंटरचेंज करने पे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर होल नंबर, क्लियर है। इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स एज एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 40, 20 और 10, ये तीन नंबर ले लिए, ए का वैल्यू 40 है, बी मेरा 20 है और सी कितना है 10। अगर इस वाले रूल से फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ये मेरा 40 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10, क्लियर है। अगर इसको करते हैं 40 डिवाइड बाई कितना आ रही है 2, और इसमें करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 20। बट इस वाले से करते हैं तो कैसे होगा, जैसे ए मेरा 40 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10, अगर ये दोनों को पहले करते तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 20 डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/10, कितना आ रहा है 1/5। तो ये भी कह सकते हैं हम लोग कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर होल नंबर। हम लोग लास्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि अगर जीरो में हम किसी भी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट ऑलवेज जीरो आता है। इसको जैसे हम देखेंगे, जैसे 0/a क्या आ रहा है 0, अगर 0 में हम किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, क्लियर है। चलो आज हम लोग देखें प्रॉपर्टी और नेक्स्ट डे देखेंगे इसका आगे वाला लेक्चर।